तो सैमसंग कैप्चर के लिए एक नया अपडेट सैमसंग ने रोल आउट कर दिया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर इसी अपडेट के बारे में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं, साथ ही बताऊंगा कि आप सैमसंग कैप्चर को कैसे यूज कर सकते हैं। बात करें वर्जन की तो 4.9.58.1 इसका वर्जन है। बात करें अपडेट साइज की तो 23 MB का इसका अपडेट साइज है। तो इस अपडेट को आपको गैलेक्सी स्टोर पे अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पर ये अपडेट हो रहा है, तो अपडेट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ इस अपडेट में इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं और सैमसंग कैप्चर का क्या यूज है। तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 90 लाइक 90 लाइक, आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सैमसंग कैप्चर को मैंने लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लिया है। तो सैमसंग कैप्चर होता क्या है, यहाँ पर जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शंस रहता है यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो यही है सैमसंग कैप्चर। आपको स्क्रीनशॉट के अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी ये ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैंने एडिट पे क्लिक किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इमेज है यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर सिर्फ जो एरिया है इमेज जहाँ पर है वहाँ पर सिलेक्ट होगा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर लेना है और ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है उसमें जो इमेज है वो सिर्फ सेव हुई है। तो ये हमारा पहला फीचर है सैमसंग कैप्चर का। बात करें सेकेंड फीचर की तो यहाँ पर जब आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें एडिट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पेन का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकते हैं कलर और यहाँ पर पेन। तो यहाँ पर मान लीजिए मुझे हाईलाइट करना, तो मैं कुछ इस तरह से हाईलाइट करके इसे सेव कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसे इरेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने हाईलाइट कर दिया, उसके बाद तो ये फीचर देखने को मिलता है हाईलाइट का, यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अगला फीचर है हमारा जो कि है लॉन्ग स्क्रीनशॉट का। तो यहाँ पर जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो कितना भी बड़ा पेज हो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। तो कई बार क्या होता है कि आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इस फीचर की मदद से लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 2-3-4 पेजेस का। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। यह हमारा नेक्स्ट फीचर है। इसके अलावा आपको सेटिंग्स पे जाना है, एडवांस्ड फीचर्स में, यहाँ पर आपको जाना है स्क्रीनशॉट्स एंड स्क्रीन रिकॉर्डर में। तो यहाँ पर है सबसे पहले शो टूल बार आफ्टर कैप्चरिंग। तो यहाँ पर यह टूल बार हमें देखने को मिलता है, तो आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद है डिलीट आफ्टर शेयरिंग फ्रॉम टूल बार। तो अगर आप टूल बार से स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिएगा तो जो स्क्रीनशॉट है शेयर होने के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। उसके बाद है हाइड स्टेटस एंड नेविगेशन बार। तो जब आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो जो स्टेटस बार है और जो नेविगेशन बार है वो हाइड हो जाएगा। यहाँ से आप फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डर का साउंड चूज कर सकते हैं, नो साउंड, मीडिया साउंड, मीडिया साउंड एंड माइक। यहाँ पर आप वीडियो क्वालिटी चूज कर सकते हैं। उसके बाद है शो टैप्स एंड टचेस। तो यहाँ पर टैप्स और टचेस भी आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप यहाँ से हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज कर सकते हैं और आप कुछ इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फीचर देखने को मिलता है हमें स्क्रीन रिकॉर्डर में, जो कि सैमसंग कैप्चर की मदद से हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं सैमसंग कैप्चर के अंदर। बाकी इस अपडेट के अंदर सैमसंग ने बग्स को फिक्स किया है। तो आप अपडेट कर सकते हैं जाकर गैलेक्सी स्टोर में लेटेस्ट वर्जन में सैमसंग कैप्चर एप्लीकेशन को,
तो यही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।